कॉन्सर्ट से याद है गाना कितना अच्छा गाया यार कश्मीर वाला, आपने भी तो बहुत अच्छा गाया यार, लेकिन हेरा का जो गाना था ना यार, नहीं 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 आपका भी अच्छा था, हाँ ठीक था, लेकिन वो गाना बहुत मजा का था। वेरी नाइस, थैंक यू। वैसे सिंगिंग का भी यार ये देखो नेचुरल ना सीखा ऐसे, सिंगिंग ना एक्टिंग, अब चलो एक्टिंग तो मानी ने सिखा, ये कैसा टैलेंट है भाई, मानी ने ऐसा टैलेंट तैयार किया है, ये पहले से नहीं मानी पहले से तैयार है। मैं इससे एक एक घंटा फोन पे गाने सुनता था, मैंने हेरा ये गाना सुना दो, ये तो सुनाओ लो भाई, इसका मतलब सारी सब तैयारी में हेरा मानी की तैयारी ना उसे मानी का हाथ है। एक एक घंटा पहले रियाज कराया गाने गाने रियाज नहीं कराया, रियाज ही हुआ जब रोज सुना रही हो, बातें किसी और से होती थी। हाँ मैं फोन करी, एंगेज जा रहे, फोन करी वो बात करता, मैंने कहा अच्छा, और फिर मैं भी चुप करके मान लेती थी, हाँ शायद मानी आप, और फिर मुझसे बात करके कहता था गाने सुनाओ, और मैं गाने सुनाती नहीं, अब गाने ऑन करते हैं स्पीकर पे, उधर गले से लगा ये गाती रहती थी मैं। अच्छा ये ना ये अब फोन बिजी होता है, एक मिनट, अब फोन बिजी नहीं, अब कहाँ बिजी होता है, अब कुछ बिजी नहीं है भाई, अब तो सब वायरल हो जाता है। अब क्या बिजी है, तो सबका वायरल हो जाता है, तो इसलिए बहुत इनिंग जो है ना बहुत वाली इनिंग खेल रहे हैं, अब हानिया खान जिसके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, अब ये वाली इनिंग चल रही है भाई, ये हाँ। ये अच्छा बात है, बहुत मुश्किल इनिंग है, ये बहुत मुश्किल इनिंग है एक मर्द के लिए। ये एक मैं सोच रहा हूँ कि मुझे तो कोई सवाल भी करने की जरूरत नहीं है, और आज स्क्रिप्ट की तो वैसे ही जरूरत नहीं होती यार, दोनों ऐसे जबरदस्त स्क्रिप्ट लिखा है, ये तो हमारे बारे में सबको पता है, बिल्कुल पता है।